इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर। पंच परमेष्ठि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अभिपिता जैन फांदना से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी व्यक्ति की वेदना के कारण चीखते चिल्लाते समय उनका मरण होता है तो उनकी किस प्रकार की गति होती है? कष्ट अलग चीज है और संकलेश अलग चीज है। कष्ट से चीख निकलती है, तो कष्ट से हम निर्णय नहीं कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के मन में संकलेश है। संकलेश जब माना जाता है जब व्यक्ति को अंदर से कषाय जागती हो, और कषाय में स्वय का अहित और पर का अहित करने का परिणाम जागता हो। कितनी भी वेदना के साथ मरण प्राप्त करे लेकिन उस वेदना के अनुसार उनकी गति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। कष्ट शारीरिक होता है, साधु चलता है, जोर से कांटा लगा, जोर से कंकड़ चुभ गया, साधु का पैर लचक गया और चीख भी निकल गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मन में संकलेश नहीं आया कि देखो मैं साधु बन गया इसलिए कांटा लग गया। इसलिए शारीरिक स्थितियां तो चलती रहती हैं, शारीरिक कष्ट होता रहता है। आपने 10 उपवास करने वालों को देखा होगा, 9वें और 10वें उपवास में उनकी क्या हालत हो जाती है, बहुत कष्ट होने लग जाता है, आवाज भी कूलने लग जाते हैं, उठते भी नहीं बनता। अब उनसे उसी समय कहना, देखो आप सहन नहीं हो रहा है तो पानी पी लो, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं मेरा तो उपवास है। अब देखना शरीर कष्ट हो रहा है कि बैठ भी नहीं पा रहे, और पानी पीने का कहा तो बोले नहीं हमारा उपवास है तो इसका बेड़ा पार है। बस उसको बस इतना ही तो है, कष्ट हो रहा है शरीर में, इसमें कोई संदेह नहीं, प्यास भी लग रही है, गला भी सूख रहा है, गला चिपक रहा है, कूलने की आवाज भी आ रही है, तकलीफ भी हो रही है, हाथ पैर भी पटक रहा है, मान लो उपवास वाला। लेकिन जब उसको तुम थोड़ा कहो, लो भाई तुम बहुत तकलीफ हो रही ना पानी पी लो, बोले नहीं मेरा उपवास है। यानी अंदर से तो उसका धर्म है, शरीर सहन नहीं कर रहा है, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिणाम बिगड़ गया, हाँ मुझे पानी दो, मैंने गलती कर ली उपवास लेकर के, तब फिर संकलेश आ गया। इसलिए तकलीफ में किसी का मरण हो रहा है तो बिल्कुल भी मत मानना कि उसकी दुर्गति हुई हो, सदगति भी हो सकती है, होती ही है। मरण करते समय प्रायः कष्ट की स्थिति बनती ही है, बनती ही है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि कष्ट से हम उसकी गत्यागति का निर्णय करें, सदगति भी हो सकती है। श्रीमती माधवी जी बनगांव से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, रावण ने बहुत सारी विद्याएं प्राप्त की दूसरों को नाश करने के लिए, परंतु रावण का स्वयं का नाश हो गया, मगर वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सारे लोग बुरी भावनाओं से दूसरों का विनाश करने के लिए मनोकामना आदि कलशों की स्थापना करते हैं, तो क्या इन व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी? मनोकामनाएं पूरी होना आपके पुण्य के ऊपर आश्रित है, चाहे तुमने क्या उपयोग किया इससे मतलब नहीं है। आपने मजदूरी की है तो मजदूरी मिलेगी, मजदूरी के बाद उस पैसे से आप क्या करोगे वो निर्णय आपका है।
तुम्हारे हाथ में आने के बाद वो नोट ये नहीं कह सकता कि तुम उससे गलत कार्य नहीं करोगे। नोट तुम्हारा है, तुम चाहो तो शराब में लगा दो, तुम चाहो तो गुटखा लगा लीजिए, तुम चाहो तो मंदिर में गुल्लक में डाल दीजिए। नोट नहीं बोलेगा। रिजर्व बैंक नहीं कह सकता कि तुम इस नोट का यही उपयोग करोगे। रिजर्व बैंक तो ये कहता है मैंने नोट आपकी उपयोगिता के लिए निकाला है, आपको क्या उपयोग करना है ये निर्णय आपको खुद करना है। नमोस्तु महाराज जी, जिस व्यक्ति की भीषण दुर्घटना की वजह से याददाश्त कमजोर हो गई हो, जिससे शास्त्र में लिखा ज्ञान पढ़ने व सुनने पर याद नहीं रहता किंतु शास्त्र ज्ञान प्रवचन का निचोड़ समझ में आ जाता है, तदनुसार स्वयं की चर्चाएं में सुधार कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या मुक्ति के पात्र हो सकते हैं? स्मृति चले जाना अलग चीज है और स्मृति को भुला देना अलग चीज है। कोई व्यक्ति मुनि महाराज है, वृत्ति है, धर्मात्मा है, सोते समय उसको कोई होश नहीं रहता, लेकिन सोते समय भी सम्यक दर्शन रह सकता है। सोते समय भी मुनि महाराज ही हैं। इसलिए कोई धर्मात्मा यदि सम्यक दृष्टि हो गया, होकर के बेहोश हो गया, कामा में चला गया, तो ये मत समझना कि उसका सम्यक दर्शन छूट गया, वो अधर्मी हो गया। नहीं, उसने धर्म छोड़ा नहीं है, छूट गया है। जैसे मान लो कोई प्रतिमाधारी है और वो कामों में चला गया, बेहोश हो गया, तो ये मत समझना कि उसकी प्रतिमाएं छूट गई, उसने छोड़ी ही नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा, उसके संकल्प में तो प्रतिमा है। जैसे सोते समय उसको कोई होश नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिमाएं काम करती हैं। इसी प्रकार आपने पूजन का नियम लिया था, अभिषेक का नियम लिया था, और आप यदि कामों में चले गए तो आपका अभिषेक का नियम टूटा नहीं, आपका नियम चल रहा है, क्योंकि आपके संकल्प में आपने टूटा नहीं है। और बाहर से आपका टूट गया, मेमोरी नहीं रही, बाद में याद नहीं रही, लेकिन ज्ञान में तो है। इससे व्रत और संकल्प लेने के बाद चाहे आप बेहोश हो जाए, चाहे कामों में चले जाए, चाहे मरण को चले जाए, लेकिन आपकी वही गति होगी जो होश में धर्म करने वाले की होती है। इसलिए आप ये ना समझें कि देखो उसने जिंदगी भर धर्म पालन किया, बिना अभिषेक पूजन के नहीं गया और अब तो कामों में पड़ा है, अब तो उसे होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके व्रत पल रहे हैं अंदर से, उसके व्रत पल रहे हैं, उसको कोई भी कुछ भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई, क्योंकि उसने संकल्प किया ही नहीं है तोड़ने का। बाहर शरीर की स्थिति कायम नहीं है, अंदर तो उसका ज्ञान बराबर काम करता रहता है। और ऐसी स्थितियां साधु की भी बनती है। साधुओं को पहले लोग संकट आते थे, उपसर्ग आते थे, तो उनके ऊपर उपसर्ग आ रहे हैं, भले उनके शरीर को शेरनी श्यालनी खा रही है, लेकिन उनके मुनिव्रत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर से मुनि है। प्रिया जैन दिल्ली से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, जो ग्रस्तों के सट आवश्यक कर्म हैं, उसमें एक तप भी आता है, तो हम ग्रस्त तप किस प्रकार से कर सकते हैं? महाराज जी, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। आपके तप का अर्थ होता है इच्छा निरोधो तप। आपने अभक्ष का त्याग कर दिया, आपकी इच्छा थी खाने की, खा सकते थे, सामने था, लेकिन तुमने कहा नहीं ये अवक्ष है, तो आपका त्याग कर तप चालू हो गया, इच्छा का अनुरोध कर दिया। खाने की इच्छा थी, मिल रहा था, दे रहे थे, लेकिन तुमने कहा नहीं ये अवक्ष है, मैं नहीं खाऊंगा, तो आपका तप चालू हो गया। आपने रात्रि का भोजन त्याग कर दिया, तो जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं चारों प्रकार के अन्न जल का, भी साल भर में 6 महीने के उपवास का फल पाते हैं। कितने महीने का? एक व्यक्ति पंचम काल का, एक व्यक्ति एक समय की रोटी खाई हुई 6 घंटे चलती है। छह
छह घंटे के बाद उसको नियम से भूख लगेगी, कितना भी खा ले वे। पेट भर खाने के बाद छह घंटे के बाद उसको भूख लगना शुरू हो जाती है। हाईएस्ट आठ घंटे मान लीजिए, बस छह से आठ घंटे के बाद उसको भूख लगना चालू हो जाती है। अब छह घंटे आपने अभी खा लिया, छह से आठ घंटे के बाद आपको भूख लगेगी और आपने उसके बाद शाम को नहीं खाया तो एक आसन माना जाएगा। रात्रि में बारह घंटे नहीं खाया उसने तो एक भूख छह घंटे की थी, दिन भर में तुमने खाया लेकिन रात में नहीं खाया तो उसके बारह छह महीने के उपवास उसने कर लिए, ऐसा माना जाता है। आप लोग बहुत अच्छी तरह तप कर सकते, उपवास करना ही तप नहीं, इच्छाओं का निरोध करना, गलत कार्यों से अपने आप को रोकना। ये स्थान आपको भूख लगी, आपने कहा यह स्थान ठीक नहीं है, हमारे खाने योग्य नहीं है, इच्छा का निरोध हो गया, यह काल रात्रि हो चुकी है, अब नहीं खाऊंगा मैं, आपने तप शुरू कर दिया। पूरी रात भर आपने शाम को भोजन नहीं किया, सपोज कीजिए आपने शाम को भोजन नहीं किया, रात हो गई मैं नहीं खाऊंगा, और कदाचित आपकी रात में मृत्यु हो जाती है तो जो उपवास करने वाले की गति होगी वही तुम्हारी गति होगी, क्योंकि तुमने रात का त्याग किया। शाम को आपने इसलिए भोजन नहीं किया कि आज रात हो गई है, तो अब पूरी रात भर आपको पुण्य का बंध होगा, तपस्या का बंध होगा, और तपस्वी का जो गति होगी वह तुम्हारी गति होगी। इसलिए आप लोग तप में अभक्ष का त्याग, बाजारू वस्तुओं का त्याग, अमर्यादित वस्तुओं का त्याग, रात्रि में खाने का त्याग, ये जो त्याग हैं यही गृहस्थ की तपस्या की पर्याय हैं। उपवास करना सबकी वास नहीं है, लेकिन इच्छाओं का अनुरोध हर व्यक्ति कर सकता है। थोड़े सा कम किया तो आप जैसे उनोदर आता है, एक बच्चा भी तप कर सकता है। उसको मान लीजिए दिन भर में 10 चॉकलेट खाता है, उसने कहा कि मम्मी आज अष्टमी है 14 से, उसको संस्कार दो, आप लोग बच्चे को तप सिखाओ, बेटा आज अष्टमी है ना, हाँ माँ अष्टमी है, तो क्या करना, तू कितनी चॉकलेट खाता है, 10, बोले आज 5 चॉकलेट त्याग दे क्योंकि आज अष्टमी है, तो 5 चॉकलेट त्याग कर उसको पुण्य लगेगा, उसका तप चालू हो गया। उसने 5 बिस्कुट का त्याग कर दिया, इतना ही खाऊंगा आज मैं। तो कुछ भी चीज जो आप खाते हैं, इसलिए आंसर ही तप नहीं, उनोदर भी है। जो प्रतिदिन करते हो मोटिवेशन बनाए, जो प्रतिदिन करते हो, जो प्रतिदिन खाते हो उसमें से कुछ कम कर देना, ये भी उनोदर नाम का तप कहलाता है। जिस दिन भी आपने कम किया, पर पर्पस से होना चाहिए, धर्म कम इसलिए खाया है तुमने क्योंकि तुम्हें गैस बनेगी रात में, पैसे कम थे इसलिए कम खाया, रात में गैस बनेगी इसलिए कम खाया, ये वस्तु हमें नुकसानदायक है इसलिए आपने नहीं खाई, तो वो तब के अंतर्गत नहीं आएगा। नहीं तो मिठाई सामने लगी थी, बोले क्यों नहीं खाई, वो वस्तुता ये था कि शुगर की बीमारी थी, तुमने कहा शुगर की बीमारी भी है, कह रहे अष्टमी थी इसलिए नहीं खाया, अंदर की बात बताओ, शुगर के कारण नहीं खाया या अष्टमी के कारण नहीं खाया, शुगर के कारण नहीं खाया है तो वो तप की कोटि में नहीं आएगा, लेकिन तुमने पर्व के दिन कहा कि नहीं आज पर्व का दिन है, 10 लाख क्षण पर्व है, अष्टांग का पर्व है, इसलिए हम इतनी वस्तु का त्याग करते हैं, तो वो तप की कोटि में आ जाता है। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर रिटायर्ड ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आप प्रवचनों में कहते हैं कि हार को भी सहन करना सीखिए, हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती, पूज्य श्री हमारी जिज्ञासा है कि हम लोग इस हार को हजम करना बहुत तकलीफदायक समझते हैं, अतः ऐसा क्या करें कि हार को भी हम अच्छे से सहन कर सकें। फाइटिंग मत कीजिए, स्पर्धा छोड़ दीजिए,
कंपटीशन बंद कीजिए, वह कार्य मत करो जिसमें दो कंपटीटर हो, वह कार्य मत करो जो प्रतियोगिता हो, स्पर्धा छोड़ दीजिए, फिर कोई हार का सवाल ही नहीं। लेकिन जहां दो व्यक्ति जिस वस्तु को चाहते हैं, जिस वस्तु को दो व्यक्ति चाहते हैं, तो एक को तो हारना ही पड़ेगा, एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, एक को तो कम नंबर आएंगे, क्योंकि दो व्यक्ति पास होना चाहते हैं एक से, तो एक को तो कम आएंगे, एक को ज्यादा आएंगे। तो हार जीत जब दुनिया में उस कार्य को करोगे जिसमें दूसरा भी करना चाहता है, तो फिर तुम्हारी हार जीत से तुम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए कहा है कि जीतने की उम्मीद वही रख सकते हैं जो हारने की हिम्मत रखते हैं, हारने की हिम्मत रखते हैं। जिन्हें मालूम है कोई एक हारेगा, मैं नहीं हारूंगा वो हारेगा, मैं दुखी नहीं हूंगा वो दुखी होगा, और दोनों में से यदि एक के दुखी होने पर तुम दुखी हो जाते हो, तो ये हार जीत का मामला चलता रहता है। या तो फिर हार जीत के मामले से अलग हो जाओ, ऐसा कार्य करो जिसमें कोई स्पर्धा ही ना हो। संसार के हर कार्यों में स्पर्धा है, हर कार्य में स्पर्धा है, लेकिन परमार्थ के कार्यों में स्पर्धा नहीं होती। इसलिए परमार्थ की तरफ बढ़ोगे तो स्पर्धा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा आपको हारने की हिम्मत रखना ही पड़ेगी। बिना हारने की हिम्मत रखने वाला कभी जीत नहीं सकता। जिज्ञासा समाधान में चलते हैं। देवेंद्र कुमार जी जैन गिरोर, और इसके बाद तैयार रहे अक्षय जी जैन गिरोर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। हे गुरुदेव, मुनसुपनाथ मंदिर का छत के लिए जो आपने शिलान्यास आपने अपने अनुकंपा से जो कराया है, उसी के बारे में एक रिश्तेदार हमारे, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने ये कहा कि हम मंदिर को 2,00,000 रुपए देने चाहते हैं, लेकिन एक वर्ष में 50,000 रुपए देंगे और रसीद एक लेंगे 2,00,000 रुपए की पूरी। तो ये दान की और धर्म की श्रेणी में आता है क्या? क्यों नहीं आएगा? किसी भी रूप में दे रहा है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा ना तुमसे। साल भर में दे रहा है, 2 साल में दे देगा, दे ही तो रहा है ना। अब एक रसीद लेने की उसके कोई उसका पर्पस होगा, कुछ उसको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए कर रहा होगा। आपके ग्रोर में चाहे 1 साल दे दो, कोई ग्रोर में कोई इनकम टैक्स आने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रोर में सब चलेगा, कोई बही खाता पूछने वाला। और मंदिर गांव आदि के मंदिर तो वैसे रजिस्टर्ड नहीं होते, तो कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है। और रजिस्टर्ड है तो वो तो आदत 1 नंबर के 2 नंबर के दोनों आदत होते रहते हैं, कोई बात नहीं। व्यवस्थाएं हैं, सब चलती रहती हैं, बहुत अच्छा काम। सुबह थोड़ा, कल थोड़ा सा लोगों ने कहा था कि महाराज ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं यही सोच रहा था मैं क्या करूँ। यहाँ के लोगों को मैं जानता नहीं, क्योंकि जहाँ के लोगों की तिजोरियों की चाबी मुझे मालूम रहती, फिर हम वहाँ पूछते नहीं है, वहां तो फिर मंदिर बन ही जाता है। आज ग्रह के लोगों को मैं ज्यादा जानता नहीं, किसकी क्या क्षमता है क्या है, तो इसलिए कुछ फिर भी थोड़ा सा प्रवचन में संकेत हुआ, थोड़ा सा भाव आया, थोड़ा सा कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने मन बनाया, कुछ तुम लोगों ने मन बनाया। मन बना लो, आज प्रातःकाल प्रवचन में कितनी बड़ी बात कही थी, मन बनाओ। ये मन बनाओ कि भगवान मुझे इतना समर्थ कर दे कि मैं दूसरों से मांगू नहीं, दूसरा क्यों मंदिर बनाएगा, मैं बनाऊंगा ना।
मंदिर के संबंध में हमेशा कभी ये विचार नहीं करना चाहिए मंदिर सबका है। मंदिर सबका है, लेकिन मंदिर जाते समय कभी विचार नहीं करना, दान देते समय कभी विचार नहीं करना। जैसे मैं कहता हूं, एक चार बेटों का पिता था, वो जा रहा था। किसी ने पूछा, भाई ये कौन जा रहे हैं? तो आपने क्या कहा, मेरे पिताजी जा रहे हैं। पहला शब्द ही निकलेगा कि नहीं, क्यों, तुम्हारे कहां पिताजी, तो चार बेटों का बाप है। तो तुमने ये क्यों नहीं कहा चार बेटों का बाप जा रहा है, वो चार बेटों का पिता है कि नहीं? पक्का है? वो तो है, पक्का है। अब आपसे पूछा किसी ने, आपके पिताजी थे और चार बेटों के पिता रहे हों, और आपसे पूछा, तो आप जवाब में चार बेटों का पिता जा रहा ये कहेंगे कि मेरे पिताजी जा रहा ये कहेंगे? क्या बोलो बोलो, क्यों? तीन अभी क्लेम कर देगा, कोर्ट केस करेगा, नहीं कर सकता। तीनों से पूछोगे अलग अलग तो सभी एक ही कहेंगे मेरे पिताजी ने। बस चार पिताओं बेटों का पिता होकर के भी तुमने कहा मेरे पिताजी हैं। इसी प्रकार मंदिर सारे समाज का होते हुए भी जब दान की बारी आए तो कहना मेरे भगवान है, मेरा मंदिर है। मंदिर सबका है, लेकिन जब मंदिर के दान की बारी आए पूजन, नहीं भगवान तुम मेरे हो, मेरा मंदिर, मेरे भगवान, ऐसी प्रतीति होना चाहिए। तो दान देते समय जब तुम भाव करोगे, गृह वाले समाज वाले बस इतनी संकल्प कर लें, मंदिर मेरा है, जैसे घर मेरा है ऐसा मंदिर मेरा है, जैसे पिताजी मेरे हैं ऐसे भगवान जी भी मेरे हैं, बस मेरेपन का भाव जाग जाए, साल भर में गृह का मंदिर का हाल इतना बढ़िया बनेगा कि अस्मरणीय होगा। बस तुम लोग क्या मान रहे हो, तुम लोग क्या, बस ज्यादा मोटिवेशन नहीं करना। तुम लोग मान रहे हो मंदिर सबका है, और हम कह रहे हैं कि ये कहो कि मंदिर बस मेरा, इतने ही शब्द से सब काम हो जाएगा। क्योंकि मेरा शब्द आते ही उसके प्रति फिर आत्मीयता आ जाए, जब मेरा है तो मुझे बनाना है, मुझे करना है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस मेरा तो भाव है कि मैं मंदिर बनाऊं, मैं मंदिर की छत डालूं, मैं मंदिर का हाल बनाऊं, दुनिया बना हमें उससे कोई लेना, मैं बनाऊं, बस मैं बनाऊं, बस एक रक्त तुम लोगों को लग जाए, मैं बनाऊंगा मंदिर को अकेला। बस ये धन तुम 6 महीने तो करो, 6 महीने में ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि तुम मंदिर की छत ढालना शुरू कर दोगे, कहोगे। लेकिन हर व्यक्ति को क्या कहना है, मैं बनाऊंगा। दूसरा बेटा ग्रोर का, तो वो भी कहे मैं बनाऊंगा। कितने घर हैं? 80। और 80 घरों से मैंने पूछा मंदिर कौन बनाएगा, तो हर व्यक्ति कहेगा मैं बनाऊंगा। क्या मजा आ जाएगा, चौथा काल आ जाएगा। और तुम कह जाते साहब मेरी तरफ क्यों देगा, मेरे मंदिर थोड़ी है, सब बनाओ तो मैं बनाऊ, नहीं सब बनाएंगे तो मैं शामिल हो, नहीं मैं बनाऊंगा तो तुम शामिल हो जाओ, तो बड़ी बात है। अपने में सबको शामिल करो, सब में शामिल नहीं होना है। मंदिर को बहुत अच्छा स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान है, छोटा स्थान नहीं है। बहुत अब देखो पुराना मंदिर देख करके क्या स्थिति रही, सब लोग बाजारों में अपने दुकान मकान सब बनाते हैं, पुराने मंदिर की स्थिति तो छोटी सी गली में बना हुआ है। और ये मंदिर ग्रोर की शान बनेगा, बहुत अच्छी चीज बनेगा। मन में इसी क्रम में अक्षय जैन और इसके बाद तैयार हैं आदि जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिभार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिभार इच्छामी। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि आजकल देखा जाता है तीर्थ क्षेत्रों में स्वतः ही जल धारा बहने लगती है प्रतिमाओं से, मंदिरों की दीवालों से, तो लोगों द्वारा ये भ्रांति होती है कि देवों द्वारा अभिषेक किया जा रहा है, ये आगम में कहाँ तक सत्य है? इसको भ्रांति न कहें, आगम में इसका उल्लेख मिलता है और इनके उल्लेखों की चर्चा है शास्त्रों में। भद्रबाहू स्वामी ने भद्रबाहू संहिता में इसको लिखा हुआ है, तो आगम में इसके द्वारा है, साथ भ्रांति नहीं है। देवों के द्वारा कुचित कचाचित ऐसी घटनाएं
शास्त्रों में भी सुनी हुई है और वर्तमान में भी घटित हो रही है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आदि जैन और इसके बाद तैयार रहे प्रबल जैन घेरोर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुचुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है कि प्रचार क्यों करते हैं? अगर हम प्रचार करेंगे तो हमें उसका फल क्या मिलेगा? प्रक्षाल मत कहो बेटा, अभिषेक कहो। हमारे आगम में शास्त्रों में प्रक्षाल शब्द नहीं आया। प्रक्षाल शब्द का अर्थ होता है गंदगी साफ करना, और अभिषेक का अर्थ होता है भगवान की शक्ति को प्राप्त करना। इतना अंतर है। प्रक्षाल तो पहुंचने का अर्थ है, जैसे आप लोग नहा लेते ना तो टावल से पहुंच लेते, तो वो तो मूर्ति को शुद्ध करने के लिए प्रक्षाल किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने का मुख्य फल होता है कि तुमने पूर्व भव में कुचित कजाचित गलतियां की होंगी और पापों का बंध हुआ होगा, तो भगवान के अभिषेक करने से वे पाप फल देने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे नहाने के बाद व्यक्ति गंदगी साफ हो जाती है, ऐसे ही अभिषेक करने से आत्मा की गंदगी साफ हो जाती है। इसलिए त्वाम श्री कल्मश गणोन्मथ नाय देव। ऐसा प्रबल जैन और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुमिता जी जैन। चलेगा श्रीमती सुमिता जी जैन। इसके बाद तैयार रहे नागेंद्र जी जैन घिरोर। जिनके भी नाम है आगे आ जाएं। प्रियंका गुरुदेव के चरणों में त्रेवार नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। गुरुदेव किसी जीव को जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, और हम अपने भावों में विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? एक ही अर्थ होता है कि उसने सच्चे देव सतगुरु को पहचाना कि नहीं, और सच्चे देव सतगुरु को पहचानने का अर्थ इतना ही है कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वही अंतिम शब्द है, और उस शब्द से डिगना नहीं, कभी भी डिगना नहीं, वैसी का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे देव सतगुरु पर विश्वास करना, उनका बताया हुआ मार्ग ही सच्चा है, ऐसी दृढ़ प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन का मूल कारण होता है। सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। जिनके भी नाम बोल रहे हैं यहाँ पर वो सभी लोग आगे आ जाएं, पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, इसके बाद नागेंद्र जैन को आना है, प्रियंका जैन, आरती जैन कुरावली, सरिता जैन, खुशबू जैन कुरावली और रागी जैन, पंडित अनंत जी जैन मैनपुरी, ये सभी लोग आगे की तरफ आ जाएं। जिज्ञासा नागेंद्र जी जैन और इसके बाद तैयार रहे पंडित अनंत जैन मैनपुरी। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि महाराज इच्छामि महाराज इच्छामि महाराज। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर आचार्य कुंद कुंदेव। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है आचार्य कुंद कुंदेव, इनको मोक्ष हुआ है कि मोक्ष होगा? होगा, अभी हुआ नहीं है क्योंकि पंचम काल के हैं, अभी वो स्वर्ग में हैं, एक बार आके मनुष्य जन्म लेंगे और मोक्ष जा सकते हैं, अभी गए नहीं है ये पक्का है। पंडित अनंत जी जैन तैयार रहे हैं। अनंत जी जैन माइक दे दीजिए और इसके बाद श्रीमती प्रियंका जैन घिरोर। जय बोलिए अनंतानंत अहंत परमेष्ठी भगवंतों की। जय बोलिए अनंत परमेष्ठी भगवंतों शांति। जिज्ञासा बोलिए। जय बोलिए परम पूज्य सुधा सागर गुरुदेव भगवान की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। इक्षामी महाराज इक्षामी महाराज इक्षामी महाराज। गुरुदेव आपके प्रसाद से हम ये महसूस करने लगे
कि अब हमारे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी जिन शासन की आराधना में लग रही है और लगी रहेगी, इनको कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दें हे नाथ कि जो ये क्रिया रोज करें, जिससे इनका मनोबल, इनका आत्मबल जिन शासन की आराधना में, जिन धर्म की आराधना में निरंतर लगा रहे, ऐसी आपसे अनंत बार प्रार्थना है भगवान। साधु लोग पिताओं को सुधार सकते, पिताओं को बच्चों को सुधारना, क्योंकि बच्चे लोग साधु की भाषा नहीं समझ पाते, वे पिता की भाषा समझते हैं, और साधु पिताओं को समझा सकता है। बेटा कुछ भी नहीं जानता था, वो पढ़ना कैसे सीख गया? क्या अपनी इच्छा से वो स्कूल गया है? ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो स्कूल जाने के लिए रोया ना हो। जबरदस्ती भेजा, मार के भेजा, डांट के भेजा, पुचकार के भेजा, धोखे से भेजा, लोभ दे के भेजा। कितने प्रयत्न करते हैं माँ बाप जब बच्चे को स्कूल भेज पाते हैं। उतना प्रयत्न क्या आपने, किसी माँ बाप ने बच्चे को पाठशाला भेजने के लिए किया? कितना प्रयत्न, उतना प्रयत्न जितना आप स्कूल भेजने के लिए करते। थप्पड़ भी मारते, क्या किसी ने पाठशाला के लिए थप्पड़ मारा बच्चे को? लोभ भी देते हैं, क्या बच्चे को लोभ दिया कि बेटा तुम इतने नंबर लाएगा तो तुझे यह पुरस्कार दिया जाएगा? नहीं दिया। बच्चा कमाना नहीं जानता था, आपसे कमाना कैसे सीख गया वो? आप उसको दुकान पे अपने साथ ले गए, अपने साथ बैठाला, उसको समझाया, जहां से माल खरीद के लाते थे वहां साथ ले गए, उसका परिचय कराया। क्या ऐसा कभी आप उसको हाथ पकड़ करके मंदिर ले गए? ऐसा एक भी माँ नहीं है जिस माँ ने अपने बेटे को अपने हाथ से रोटी ना खिलाई हो, रोटी की थाली लगा के ना दी हो। क्या माँ ने कभी बेटे को पूजन की थाली देकर उससे भगवान की पूजन कराई? हर माँ ने अपने बेटे को पानी पीने के लिए गिलास भर के दिया होगा, क्या कभी माँ बाप ने उसके हाथ में अभिषेक करने का लोटा दिया? यदि माँ बाप चाहें तो आज भी 95% जैनियों के बच्चे मंदिर में सुबह अभिषेक करते मिलेंगे, पाठशाला मिलेंगे, 95% के। माँ बाप को सुधरना है। मैं सारा सर्वे कर लिया दुनिया में, माँ बाप नहीं सुधर रहे। माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बेटा ये करे, बहाना बना दे बेटा अभिषेक को जाना, उन्होंने कहा मम्मी नींद आ रही है, बस लो सो गया। ऐसे बेटे ने कहा था बेटा स्कूल जाना है, बेटे ने कहा कि मम्मी नींद आ रही है, तो फिर तुमने उसको सोने दिया था कि थप्पड़ था कि चद्दर खींचा था? तो फिर पाठशाला मंदिर नहीं गया तो थप्पड़ क्यों नहीं मारा? तो 90% जो गलतियां हो रही हैं माँ बाप से हो रही हैं। माँ बाप उस अवस्था में चेते हैं जब बच्चा तुम्हारे हाथ से चला जाता है, उस बड़ी अवस्था में समझाते हैं जब बच्चा अब तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है, वो किसी और की बात मानने लगा है, उसके बाद कुछ नहीं समझा सकते। जब तक बच्चा तुम्हारे काबू में है तब तक तुम्हें बच्चे को सही लाइन देना है, तभी कल्याण है, अन्यथा साधु की मर्यादा होती है। साधु तुम्हारे बच्चे को, इसलिए मैंने कहा कि मैं बच्चे को नहीं समझा सकता क्योंकि मैं थप्पड़ नहीं मार सकता। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम बच्चे को थप्पड़ मार सकते हो, क्योंकि बच्चा थप्पड़ खाने से ठिकाने पर आता है, क्योंकि वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, उसको डांट चाहिए, उसको भय चाहिए। हम भय नहीं दिखा सकते बच्चे को, हम तुम्हें समझा सकते हैं और तुम बच्चे को डांट डपट करके भय दिखा के कर सकते हो। इसलिए आप माता पिता मेरे से सुधर जाओ और फिर तुम अपने बच्चों को सुधारो, सारा काम हो जाएगा, ये परंपरा आगे बढ़ जाएगी। श्रीमती प्रियंका जैन और इसके बाद तैयार रहे आरती जैन कुरावली, प्रियंका जैन घेरोर, श्रीमती प्रियंका जैन।
है क्या? चलेगा। आरती जैन कुरावली आ जाएं, और इसके बाद तैयार रहें खुशबू जैन कुरावली। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुलक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। हे भगवान, आशीष की कामना करते हुए मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था कि स्त्री के दाएं अंग और पुरुष के बाएं अंग अगर फड़कते हैं तो अशुभ होता है। तो महाराज जी, जब हमारे फड़कते हैं तो हमें डर लग जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो आप ऐसा उपाय बताओ जिससे हम संतुष्ट हो जाएं कि अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा। संतोष, शांत, सावधान। दुर्घटना को हम रोक नहीं सकते, दुर्घटना रोकने के लिए नहीं आती, सावधानी के लिए आती। हमें सावधान हो जाना चाहिए कि कुछ गलत होने वाला है तो हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा मन में धर्म आ जाए, हम अच्छे कार्य करने लग जाएं, हम मौन रहना शुरू कर दें, हम यहाँ वहाँ जाएं तो गाड़ियों में बैठते समय सावधान रहें। सावधानी यदि हम बरत देंगे तो वो जो अशुभ का संकेत था वो थोड़े में आकर के निकल सकता है। कोई भी संकेत हमें मिलता है तो वह सावधानी के लिए मिलता है। सावधानी, संकेत को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन सावधान रह जाएं तो ये भी चीजें फैल हो सकती हैं और आएंगे तो थोड़े में भी निकल सकते हैं। श्रीमती खुशबू जैन कुरावली, और उसके बाद तैयार रहे राहुल जैन मैनपुरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, भगवान का अभिषेक होता है पर महाराज जी का अभिषेक क्यों नहीं होता है? महाराज के अभिषेक करने में कई बाधाएं होती हैं। पहली बाधा तो है कि उनके अभिषेक करने से उनकी शारीरिक स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। भगवान को बीमारी नहीं होती, भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो निरोगता से रहे थे। साधु बीमार भी हो सकता, अस्वस्थ भी हो सकता है। दूसरी बात, साधु जीवंत रूप में रहता है, इसलिए पानी का अंश उसके मुख में, नासिका में जा सकती है। इसलिए साधु के चरण प्रक्षाल करना, और दूसरी बात है, भगवान के लिए अभिषेक होता ही नहीं है, साधु के लिए अभिषेक की जरूरत ही नहीं। साधु के पूरे शरीर में इतनी बड़ी एनर्जी नहीं है जितनी पैरों में होती है, ताकत है। आपको हमारे अभिषेक को नहीं, अभिषेक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ताकत चाहिए, अतिशय चाहिए। आप हाथों का हाथ गंधोदक क्यों भी बनाते हैं? आप हाथों से गंधोदक बना लो ना, सिर का गंधोदक बना लो, जूम कर लूंगा मुंडे थोड़ी से, सिर तो प्रगत होता है ना। नहीं, साधु की सबसे बड़ी ताकत होती है पैरों में, क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा साधु अपना उपयोग पैरों की तरफ ले जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीवों की हिंसा पैरों से होती है, और बचाने का भाव साधु सबसे ज्यादा पैरों से करता है। इससे तुम्हारी सुरक्षा पैरों से निकले हुए गंधोदक से है, पूरे शरीर से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। और भगवान की जो चीज होती है वो संपूर्ण शरीर में उनकी एनर्जी होती है, उनके पैरों में ही नहीं, उनका संपूर्ण शरीर जो है उस ताकत से भरा हुआ रहता है। इसलिए भगवान को ऊपर से अभिषेक किया जाता है और गुरु महाराजों के चरणों से किया जाता है। राहुल जैन मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहे सरिता जैन कुरावली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, छाई महाराज जी, छाई महाराज जी। गुरुदेव, पंडित पंडित मरण किस प्रकार से है? पंडित पंडित मरण होता है अरहंत भगवान का। निर्माण को पंडित पंडित मरण बोलते हैं। जिसका मरण तो है, पुनः जन्म नहीं है, उसको पंडित पंडित मरण बोलते हैं। ऐसा जी दोस्तों। हाँ जी, सरता जैन कुरावली। और इसके बाद तैयार रहें रागनी जैन घिरोर। मुनि जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, 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 और महाराज जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि, इच्छामि। महाराज जी, सूर में कहते हैं कृत्रिम चैतालय है,
और चंद्रमा में भी कहते हैं, कृत्रिम चतुर्थ और तारों में भी कहते हैं। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसको मिथ्यात का रूप दिया जाता है, तो ऐसा क्यों है? तुम सूर्य को अर्घ देते हो, सूर्य में स्थित भगवान को नहीं देते, इसलिए मिथ्यात है। क्योंकि सूर्य तो एक विमान है, देवों का विमान है, वो तो देवों का घर है। सूर्य के अंदर फिर ब्रह्मा है। जैसे आप गृह नगर के लिए अर्घ दो तो मिथ्यात में आएगा कि सम्यक में आएगा? गृह नगर पूरे नगर को ओम रीम जन जाओ अनर्पताए ग्रहम अर्घम नृपामती, या कुरावली को अर्घ दो। कुरावली को अर्घ देने में, कुरावली को अर्घ देने में सम्यक होगा कि मिथ्या? पर वहां मंदिर भी तो है। हाँ, पर ऐसे ही जैसे कुरावली नगर को अर्घ देना मिथ्या है क्योंकि मंदिर उसमें है, ऐसे ही वो विमान एक बहुत बड़ा नगर है, हजारों देवता उसमें रहते हैं, उनके विमान है। तो वो पूरा जो विमान है वो एक नगर के समान है, इसलिए सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ सूर्य के अंदर प्रतिमा को अर्घ दिया जाता है और तुम सूर्य को देते हो, इसलिए मिथ्यात में आएगा। समझ में आ गया होगा? तो महाराज जी, अर्घ देते समय हमें बोलना क्या चाहिए? उस समय आपको मूर्ति दिखी नहीं तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। आपको तो जिनेंद्र भगवान की तरफ देखिए कि ऐसे ही जिनेंद्र भगवान अनंत असंख्यात तारों में और सूर्य में विद्यमान है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। आपको सूर्य की तरफ देखकर अर्घ नहीं चढ़ाना, आपको तो जिनेंद्र भगवान की तरफ देखिए और अकृत्रिम चैत्यारायण को अर्घ चढ़ाइए, आपका अर्घ वहां पहुंच जाएगा। श्रीमती रागनी जैन और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती वीरांगना जैन कानपुर। श्री जी के चरणों में मेरा प्रिय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि एक श्रावक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित को प्राप्त कर सकता है, इसका क्या महत्व है एक श्रावक के जीवन में? श्रावक के पास रत्नत्र नहीं होता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो सकता है और प्रतिमाएं धारण कर ले तो वो देशवृत्ति हो सकता है, पूर्ण रत्नत्र उसको नहीं हो सकता, एक देश हो सकता है। तो एक देश में यदि वो 12 व्रत करे, 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये 12 व्रत अंगीकार कर सकता है तो देश चारित होगा। पूर्ण रत्नत्र के लिए तो मुनि व्रत ही धारण करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। श्रीमती वीरांगना जी और उनके साथ में हैं और इसके बाद तैयार हैं सौरभ जैन मैनपुरी। मेरे इष्ट गुरु को मेरी तरफ से सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छामी महाराज जी इच्छामी महाराज जी इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है सायंकाल कितने होते हैं और सायंकाल में तत्वार्थ सूत्र हम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं या नहीं? संधि काल 3 होते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न में और संध्या काल। तत्वार्थ सूत्र संधि काल को छोड़ देना चाहिए, कम से कम जो संधि काल होता है 48 मिनट को कम से कम तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत ग्रंथ में मानते हैं, इसे संधि काल में न पढ़ें न लिखें तो अच्छा है। बाकी रात में लिख सकते हैं और 24 घंटे कभी लिख सकते हैं, संधि काल जो होता है उसमें नहीं लिखना चाहिए। सौरभ जैन मैनपुरी और इसके बाद तैयार रहे प्रतीक अनीता जैन प्रचंदिया कुरावली। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि जो 24 भगवान के चिन्ह रखे जाते हैं ये किस प्रकार रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी, दोनों तरह के पक्षी हैं। शाकाहार और मांसाहार से इनकी आकृतियां सगुण होती है। प्रत्येक तीर्थंकर जिनके पंच कल्याणक होते हैं उनके शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं जो रेखाओं से बने रहते हैं। तो जो चिन्ह जो है सबके में, जैसे शेर का चिन्ह है तो आदिनाथ को भी था, अजितनाथ को भी था, आबेल का चिन्ह है वो महावीर स्वामी को भी था, लेकिन शरीर के अन्य अंगों पर था। दाहिनी रेखाओं से बाहर हुए नाखून खत्म होता है,
यहाँ रेखाओं से बना हुआ जो चिन्ह होता है वह सौधर्मेंद्र घोषित कर देता है। अब किसी के सिर पड़ गया, किसी के सूकर पड़ गया, किसी के हाथी पड़ गया, तो दाएं पैर के अंगूठे पे जो चिन्ह पड़ जाता है ये शुभ और अशुभ मांसाहारी शाकाहारी किसी भी जानवर की आकृति यदि बनती है तो वह शुभ संकेत का रूप होती है ऐसा मानना चाहिए। और इसके बाद तैयार रहे सचिन जैन करेला जी प्रचंडिया, और इसके बाद तैयार रहे सचिन जैन, हो गया चलेगा, सचिन जैन करहल, उसके बाद तैयार रहे ललिता जैन कुरावली, सचिन जैन करहल आगे आ जाओ आगे, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। कि जो मंदिर जी में अभिषेक होता है सुबह 7 बजे, कुछ लोग बाद में भी अब आकर अभिषेक करते हैं, क्या ये उचित है? अगर उचित है तो फिर अभिषेक करके ही पूजा करनी चाहिए या फिर महाराज? अभिषेक की जो स्थितियां हैं मंदिर में एक बार ही होना चाहिए सामूहिक रूप से, सबसे अच्छा श्रेष्ठतम वही है कि सब एक साथ, श्रेष्ठतम वही है कि सब एक साथ, उससे भगवान की गरिमा रहती है, गंधोदक में अतिशय बढ़ता है। अभिषेक देखेंगे उस गंधोदक में उतनी गुनी एनर्जी आती है, एक अकेला व्यक्ति गया और अभिषेक किया तो उतना ही आएगा, इसलिए सामूहिक पूजन अभिषेक एक बार ही होना चाहिए। क्योंकि अभिषेक करते समय उस मंदिर से जितने रिलेटेड लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जिस समय मंदिर में अभिषेक हो रहा है उस समय घर में वो, समय मंदिर में अभिषेक हो रहा है उस समय घर में वो और भी गंदे कार्य न करें, बाथरूम ना जाएं, टॉयलेट ना जाएं, चाय पानी ना करें, भोजन ना करें जिस समय अभिषेक हो रहा है। और ये तभी संभव है जब मंदिर के अभिषेक का एक निश्चित समय हो, उसी समय संभव है, अन्यथा इधर भगवान का अभिषेक हो रहा है और तुम घर में अन्य सांसारिक कार्य कर रहे हो तो उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होता है। इसलिए निर्धारित तिथि हो, निर्धारित समय हो तो ही श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा तो यही है, फिर अब तो तुम्हारा है, अपनी डपली अपना राज, कौन क्या करेगा, सही तो वही होना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ जी। इसके बाद तैयार रहे ललिता जैन कुरावली, और इसके बाद तैयार रहे एस का जैन मेंदी। ललिता जैन कुरावली, अभिषेक पूर्वक ही पूजन होना चाहिए पक्का है, लेकिन अलग से अभिषेक नहीं होकर के सामूहिक अभिषेक होना चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, जैसे घर में चूहा मर जाता है तो मुझे, मैंने उठा के फेंक दिया तो मुझे पूजा करना चाहिए या नहीं? किसी जानवर को स्नान करने मात्र से सूतक खत्म हो जाता है, जानवर पक्षी आदि कोई भी यदि होता है तो स्नान कर लेना चाहिए, फिर कोई बाधा नहीं, पूजन कर सकते। नमोस्तु महाराज जी। एसका जैन मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहे आशीष जैन भोगांव। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक जी इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक होते हैं लेकिन अरिहंत भगवान के क्यों नहीं होते हैं? अब उनके पंचकल्याणक पुण्य बांध के नहीं आए, देखो सब पुण्य की माया है, जिनके बाद पूर्व भव में जिन्होंने पुण्य किए हैं। अब देखो पुण्य के मारम से सब कार्य ऐसे हो जाते, मुझे घरौर में रुकना नहीं था, सुबह मैं रुक गया। अच्छा घरौर में आते
गिरौर में मंदिर का शिलान्यास करने का कोई भाव नहीं था, वो हो गया। मेरा कोई भाव नहीं था, मैं तो शायद में उन्होंने सोचा कि क्योंकि मौसम ठीक नहीं था तो कुछ ज्यादा चलना था, हमने मौसम को देखकर थोड़ा सा कम किया। तो मैं तो बिहार के लिए उठा था, बिहार उठते ही लोग आ गए महाराज जी शिलान्यास ऐसे था। अब मैंने कहा भैया कि आकस्मिक बरसात कैसे करूं, अब पहले से कोई प्लानिंग नहीं कुछ नहीं, पहले से मालूम होता हम थोड़ा और जल्दी उठ जाते। अब वो एकदम ही आ गए, बन के चलो। अब उन्होंने कहा मैंने तो ईंटें बना के रख ली। अब मेरे नेचर में कि मैं यदि खड़ा हो गया तो फिर सूखी सूखी ईंटें नहीं रखी जाएंगी, गीली गीली रखना चाहिए। छपते 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 दो दो लाख के पांच नाम मिल गए, दो मिनट में 10 लाख का घोड़ा हो गई और दो की और आगे बता रहे धारा हो गए। तो ये पुण्य का उदय तो है। और दूसरी बात, आज यहां मैं आते ही कहा महाराज जी यहाँ नेटवर्क है ही नहीं, तो मैंने तो कहा कोई बात नहीं, देखो प्रभु जिज्ञासा तो चालू करो। मैंने सोचा कि आज यदि ग्रोर वालों का पुण्य सही में होगा तो नेटवर्क आएगा। लोगों ने कहा कि 4 किलोमीटर इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, कहीं नेटवर्क है ही नहीं। और पूरी जिज्ञासा हो गई और बराबर नेटवर्क अभी भी चल रहा है। आज ये पुण्य कहलाता है, आज 4 किलोमीटर नहीं मिला मिल गया तो ये पुण्य कहलाता है। तो ये सारी दुनिया पुण्य के पीछे दौड़ती है। उन तीर्थंकरों ने इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया कि उनके 5 कल्याणक हो गए। उन्होंने पुण्य कमाया नहीं इसलिए उनके 5 कल्याणक नहीं हुए, लेकिन कल्याण तो उनका भी हो गया। कल्याणक नहीं हुए, कल्याण तो उनका भी हुआ है। इसके बाद तैयार रहे आशीष जैन भोगांव और इसके बाद तैयार रहे जितेंद्र जैन घिरौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, जो अष्टमी और चतुर्दशी का जो व्रत रखते हैं उसका महत्व तुम्हारे जीवन में क्या होता है गुरुदेव? अष्टमी चतुर्दशी एक पर्व है, किसी भी क्षेत्र के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव का प्रभाव पड़ता है, ये काल कहलाता है। अष्टमी चतुर्दशी एक अपने आप में ऐसे नक्षत्र होते हैं, शुभ उस दिन धर्म करने पर उसका फल अधिक मिलता है, उस दिन धर्म नहीं करने पर पुण्य कम मिलता है, पाप की स्थिति ज्यादा बनती है। क्योंकि कोई भी वस्तु काल काल का भी एक हाथ होता है। जैसे एक किसान उसी बीज को 8 दिन पहले बो देवे या 8 दिन बाद बोवे तो वो नहीं फलता, और यदि समय पर बोता है तो वह अधिक फल देता है। ऐसे अष्टमी चौदस अनादि अनंतकालीन पर्व कहलाते हैं ऐसा। प्रतीक्षा जैन और इसके बाद तैयार हैं आशीष जैन भोगांव। चुल्लक जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि इस समय विक्रमी संवत चल रही है, उसके अनुसार चैत वैशाख जेठ अषाढ़ की गणना होती है, जिसमें कि हमारे तीर्थंकर कल्याणों को तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक मनाया जाता है, लेकिन ये 2000 वर्ष पूर्व से ही विक्रमी संवत चल रही है। इससे पहले जो हमारी गणना होती थी वो किसके आधार पर होती थी, कैसे पता लगाया गया कि पौष कृष्ण एकादशी को प्राशना भगवान का जन्म हुआ और चंद्रप्रभु भगवान का जन्म हुआ और अन्य तीर्थंकरों का कल्याणक कैसे बनाया गया? विक्रम संवत के पहले शक संवत चलता था, शक संवत के पहले हाजिरी संवत चलता था, उसके पहले वीर निर्माण संवत चलता था। उसके पहले के समय चूंकि इतने हजारों सैकड़ों वर्षों की उम्र होती थी, असंख्यातों वर्षों की उम्र होती थी, तो वहाँ संवत तो उसकी गणना क्योंकि संख्या तो सीमित होती है, वो तो असीम काल था, इसलिए तिथि तो रह गई लेकिन संवत नहीं रह गया। तिथियाँ तो अनादि काल से हैं,
सम्मत बदलते हैं, तिथियां नहीं बदलती। सम्मत बदलते हैं, विक्रम राजा आ गया तो विक्रम हो गया, ईसा मसीह आ गया तो ईसा हो गया, लेकिन तिथि कभी नहीं बदलती। तिथि अनंत अनादि अनंत कालीन है, इसलिए तिथियों की अपेक्षा से, तिथियां तो महावीर स्वामी सब देव के समय में भी थी, पर सम्मत उस समय का आज प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो असंख्यात में गिना जाता है। इसलिए तो महाराज जी उस समय भी चैत और बैसाख की गणना, हाँ हाँ, चैत बैसाख जोत हमेशा थे, चैत ये 12 महीना और एकम दोष तिथि ये अनादि अनंत काल तक है, कभी नहीं बदली जाएंगी। सम्मत बदलते रहेंगे, कभी किसी से कभी किसी से। प्रतीक्षा जैन और इसके बाद तैयार रहे विधि जैन कुरावली। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। मुनिश्री, शास्त्रों में बताया जाता है कि कोई जीव भव्य है और कोई अभव्य है, तो मुनिश्री क्या ये पहले से निश्चित होता है कि कौन सा जीव भव्य होगा और कौन सा अभव्य, या कोई भी जीव भव्य बन सकता है अपने कर्मों द्वारा? नहीं, भव्य और अभव्य निश्चित होते हैं, उनमें कोई भव्य नहीं बन सकता, कोई अभव्य नहीं हो सकता, वो अनादि अनंत काल से वैसे ही नेचर लेकर दो जीव है कि भव्य भव्य ही रहेगा, अभव्य अभव्य ही रहेगा, कोई बनाया नहीं जा सकता, हम बन नहीं सकते। चलिएगा विधि जैन कुरावली और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती मंजू जी, जो के पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की बहन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें पूजा करने से क्या फल मिलता है? भोजन करने से क्या फल मिलता है? पूजा। मैं पूछ रहा हूँ भोजन करने से क्या फल मिलता है? पूजा करने से। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, भोजन करने से क्या फल मिलता है? पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो मैं पूछ रहा हूँ ना, भोजन करने से क्या फल मिलता है? भोजन करने से शरीर की भूख मिटती है, पूजन करने से आत्मा की भूख मिटती है। शरीर के कष्ट दूर होते हैं भोजन से, आत्मा के कष्ट दूर होते हैं पूजन से, ऐसा माना। श्रीमती बोले महावीर भगवान की। श्रीमती मंजू जी, जो पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की बहन है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे भक्तांबर का विधान करवाते हैं 48 दीपकों द्वारा, और भजन का बुलावा लगता है, उसमें लोग बाग सामग्री बांटते हैं, गोला बांटते हैं, वो मंदिर के उपयोग में ले सकते हैं या नहीं? कोई बात नहीं, ले सकते, ले सकते। नमस्तु। चलिए आरती के लिए। हाँ चलिए आरती के लिए आइएगा, सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर आरती के लिए। कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है जो आज पूज्य श्री की मंगलमय आरती करने का परम सौभाग्य अर्जित करेगा? आदि बोली के माध्यम से जनता है 11,111 रुपया। कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है जो पूज्य श्री की मंगलमय आरती करने का परम सौभाग्य अर्जित करेगा? 11,111 रुपया। कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है जो पूज्य श्री की मंगलमय आरती करने का अवसर प्राप्त करेगा? 11,111 रुपया। राहुल भैया, राहुल भैया 11,111। राहुल जी, राहुल जी जैन परिवार अहिंसा। भाई साहब आगे आ जाइए, राहुल भैया यहाँ आरती लेके, आरती लेके भैया। राहुल जी परिवार अहिंसा परिवार करहल, और जितने भी करहल के भाई साहब के साथ में आए हैं, सभी महानुभाव आगे आ जाएं। जो भी महानुभाव करहल से पधारे वो सभी आगे आ जाएं। बोली वाले भैया आगे आएंगे केवल, और सब लोग पीछे हो जाएंगे। I'm not afraid.
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार अलवर।